तो भाई ये था हमारा होटल, तो होटल को अब कर रहे हैं बाय बाय। एंड उसके बाद गाड़ी का हाल देखिए, गाड़ी कितनी गंदी हो रखी है। चिट्ठियां बजा वाले सतगुरु रखियो बिरदवाने दी लाज। सुलो जी, प्रसाद हमने करवा लिया, अब अंदर जाते हैं। वाहेगुरु जी को प्रसाद भोग लगवा कर, प्रसाद चढ़ा कर मत्था टेकते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी? तो डे है आज यहाँ पे टू गंगानगर में, तो भाई भी तैयार हो गया, इधर भी भाई तैयार हो गए, तो तीनों तैयार हो गए और अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारा साहब, गुरुद्वारा करतार साहब। तो वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे आपको दिखाते हैं गुरुद्वारा साहब की ना रेनोवेशन हो रही है। वैसे तो वो पहले बहुत ही अच्छा था, अब दोबारा से उसको सारा रेनोवेट करके तो काफ़ी सुंदर सा बनाया जा रहा है। उसके बाद जो प्रोग्राम होगा गुरुद्वारा साहब क्यों जा रहे हैं, वहाँ पे पाठ रखा हुआ है, मत्था टेकेंगे और मत्था टेकने के बाद लंगर वगैरह छक के फिर वहाँ से कुछ प्लान करेंगे कहाँ जाना आगे। तो कल की वीडियो आपने देखी होगी, कैसी लगी आपको वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, और आज की वीडियो भी पूरी देखना, मज़ा आने वाला है। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक शेयर कर देना अपने दोस्तों साथ। क्यों भाई क्रीम नहीं लगाई? क्रीम नहीं लगाई? हम लड़कियां नहीं है भाई जो क्रीम क्रीम लगाए और लिपस्टिक लगाए। और दूसरी बात एक और कि इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके अपनी फैमिली को बड़ी से बड़ी करिए। तो अब इस रूम को करने लगे हैं टाटा बाय बाय। बैग्स वगैरह हमारे पैक है, सारा कुछ देखिए ऐसे खिलारा वगैरह पड़ा है, सामान सामान चेक कर लें, चलो चले सर। तो भाई ये था हमारा होटल, तो होटल को अब कर रहे हैं बाय बाय। एंड उसके बाद गाड़ी का हाल देखिए, गाड़ी कितनी गंदी हो रखी है। राजस्थान वगैरह में अगर आते हो ना आप, तो आपको पता है मिट्टी वगैरह यहाँ पे कितनी होती है, तो गाड़ी पूरी गंदी हो रखी है। तो बाकी चलो कोई ना, जाके करवाएंगे एक दो बार वॉश से। रिव्यू बहुत बढ़िया, हाँ होटल तो बहुत अच्छा था यार। होटल साहिल रात को भी आपको बताया था पिछली वीडियो में, अगर आपने देखा होगा तो बहुत ही अच्छा था होटल, मतलब अंदर से ना अच्छी रही है सारा कुछ, बार वगैरह भी है इसमें, बट हमने वो चीज़ यूज़ नहीं किया। एंड बाकी जब भी आप आओ तो पिछली वीडियो में बताया था होटल की लोकेशन कहाँ पर है। तो ठीक है जी, उसके बाद अब चलते हैं, गाड़ी भी हो गई है वार्म अप, अपनी गाड़ी निकालते हैं एंड उसके बाद चाय पीते सीधा चलते हैं गुरुद्वारा साहब, गुरुद्वारा साहब जाके चाय पियेंगे, पकौड़े खाएंगे, सारा कुछ करेंगे। सो लो जी, अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारा साहब, ये रोड जाती है गुरुद्वारा साहब, तो आपने कल भी यही रोड देखी होगी। तो यहाँ पे था इस बंदे का कॉलेज, तो ये रहा कॉलेज जहाँ पे इसने पेपर दिया था हमने, ठीक है। तो इसके बाद ये सारा सीधा रोड जाती है, तो रोड का नाम है कालियाँ, कालिया पिंड कह लो या कालिया विलेज कह लो या कालिया जगह कह लो, तो उस जगह का नाम है कालिया और 6 वाई पुली ऐसे कुछ नाम है, 6 वाई पुली। पुली कहते हैं जो ये छोटे छोटे से मतलब ब्रिज से बने होते हैं ना, इस साइड से उस साइड जाने के लिए बीच में ये छोटे से एक नहर से चलती है, तो या नाला कह दो किसी तरह का, तो उसको उधर जाने के लिए उसको पुली कह देते हैं। तो बस ये है जी रोड, बस आगे जाके गुरुद्वारा साहब आ जाएगा, वहाँ पे जाते हैं और थोड़ा सा मत्था वगैरह टेक के लंगर वगैरह छक के भोग पड़ने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे, कुछ और प्लान करेंगे। बाकी हमारे साथ साथ आप भी करो दर्शन और कीर्तन गुरबाणी का आनंद लीजिए। संत जी महाराज ने अपना अवतार धारिया, कुछ अपना श्री वाहे गुरु महाराज जी का औरा होया और ब्रह्म हो। ऐसे बालक ने जन्म लेना है, ऐसे बच्चे ने जन्म लेना है जिसके दर्शन दीदार करना दुनिया तरसिया करूंगी अपने सपना श्री वाहे गुरु जी। पहले ही वचन सुनो तो ही, मेरे महात्मा जन होते ने सरकार खुशी होते ने, पर वो भूतकाल का भी पता होता है, पर वो वर्तमान का भी पता होता है, पर वो भविष्य का भी पता होता है। सात श्री अकाल।
अकाल, तेरा खालसा जपे अकाल ही अकाल, खुशियां दे जगारे गावे न्याल हो जावे, गुरु गोबिंद सिंह बापू जी ने मन नू पावे, खुशियां दे जगारे गावे न्याल हो जावे, शहीद बाबा दीप सिंह जी ने मन नू पावे, खुशियां दे जगारे गावे न्याल हो जावे, शहीद बाबा जीवन सिंह जी ने मन नू पावे, संत ईश्वर सिंह जी दे मन नू पावे, सोए सत के बुलावे सोए निहाले, सत श्री अकाल, बोले सोए निहाल, सत श्री अकाल, गुरु बोले अकाल तेग फतेह, गुरु बोले अकाल मैदान फते, हर मैदान फते, खालसा वाहेगुरु जी की फते। तो लो जी, अब यहाँ से हो गए थे फ्री गुरुद्वारा साहब से, अब जा रहे हैं सीधा जलंधर के रोड पे। तो यहाँ पे रास्ते में जाते हुए आएगा बठिंडा, और बठिंडा आपको पता है क्या है, दमदमा साहब गुरुद्वारा साहब है। तो हम तीनों यहाँ से जाएंगे सीधा दमदमा साहब, मत्था टेकेंगे, आपको भी दर्शन कराएंगे, फिर उसके बाद रात को 8-9 बजे के करीब हम घर पहुंचेंगे। लो जी, बठिंडा पहुंच गए, और बठिंडा में आते हुए करते हैं थर्मल प्लांट ने हमारा स्वागत। तो ये बड़े बड़े से थर्मल प्लांट क्या वर्क करते हैं, कैसे करते हैं, उनकी हमें कोई भी नॉलेज नहीं है, बस दूर से देखने में बहुत अच्छे लगते हैं यार। ये अभी बिल्कुल ही इसके पास में है, तो मतलब जितना ऊपर से उठाया जाए ना, खड़े हैं बेचारे। तो ये सामने शहर का मेन हाईवे, तो अभी हमने यहाँ से जाना है गुरुद्वारा साहब। लो जी, अकाल तख्त हम पहुँच गए हैं जी, श्री दमदमा साहब अकाल तख्त पहुँच गए हैं। तो बस अंदर जाते हैं, अंदर जाकर मत्था वगैरह टेकते हैं, तो आप भी करिए हमारे साथ दर्शन। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा साहब है, दरबार साहब है ना अमृतसर, तो वैसा ही है, बहुत ही खूबसूरती और इतिहास बहुत अच्छा है इसका। तो हो सके तो मैं आपको इतिहास भी बताने की कोशिश करूँगा। तो इस साइड है जोड़ा घर, मतलब के शूज़ वगैरह अगर आपने उतारना है, फ्री डिस्पेंसरी भी है यहाँ पे, किसी की तबीयत वगैरह ख़राब होती है तो वो चीज़ के लिए। और आगे गठड़ी घर है, मतलब कि अगर किसी ने अपने कपड़े वगैरह या बैग वगैरह जमा करवाने हैं, तो अकाल तख्त देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना गुरुद्वारा साहब। तो इसके बाद एक यहाँ पर कुछ बना हुआ है, लाइक अगर यहाँ पर कुछ समागम होता होगा तो यहाँ पर स्टेज लगती होगी, तो ऐसा कुछ है यहाँ पर। तो दोस्तों, ये है जी इतिहास गुरुद्वारा श्री अकाल तख्त दमदमा साहब जी का। तो आप वीडियो पॉज करके कुछ समय निकाल के पढ़ सकते हैं। तो एक ये है जी यहाँ पे गुरुद्वारा साहब, गुरुद्वारा लिखणसर साहेब पातशाही दसवीं, और यहाँ पे कड़ा प्रसाद की पर्ची लेके कड़ा प्रसाद आप ले सकते हो जी। सो लो जी, प्रसाद हमने करवा लिया, अब अंदर जाते हैं, वाहेगुरु जी को प्रसाद भोग लगवा कर, प्रसाद चढ़ा कर, मत्था टेकते हैं, अरदास जोदड़ी बिनती करके फिर यहाँ से निकलेंगे जी। तो चलिए जल्दी जल्दी अंदर चलते हैं जी, पहले पैर सच्चे कर ले।
यहाँ से हम बाहर आ गए थे गुरुद्वारा साहब से, उसके बाद मंजी साहिब पातशाही नौवीं थे। तो यहाँ पे देखिए शस्त्र वगैरह भी सारे पड़े हैं, कितने खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है। एंड इसके बाद हम जा रहे हैं गुरुद्वारा दमदमा साहिब पातशाही दसवीं जी के अंदर गुरुद्वारा साहब के, यहाँ पे मत्था नतमस्तक होते हैं। उसके बाद कुछ यहाँ पे इतिहास वगैरह दिखाए हुए हैं सारा दमदमा साहिब जी का। ये बहुत ही पुराने समय से हुआ है, आप जितना भी ये फर्श देख रहे हैं ना, ये सारा इसके नीचे पानी वानी है। ये छोटे छोटे आप देख रहे होंगे सामने, ये भी है यहाँ पे ना, तो यहाँ से भी दिखता होगा। एंड यहाँ से नीचे भी जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से नीचे जाएंगे ना तो रास्ता है कहीं ना कहीं से नीचे जाने का, वो भी सामने एक कुआँ है, तो मैं आपको वहाँ पर भी जाके दिखाऊँगा। बाकी अभी बाहर से दर्शन कर लेते हैं क्योंकि सूरज ढलने का टाइम हो रहा है। अब हम जहाँ पे जा रहे हैं गुरुद्वारा बेर साहब देग सर पातशाही दसवीं यादगार बाबा दीप सिंह जी शहीद छोणी निहंग सिंह मुख प्रबंधक सिंह साहेब जथेदार बाबा बलबीर सिंह जी अकाली 96 मतलब 96 करोड़ी कह देते हैं। तो ये लिखा हुआ है, मैंने आपको पढ़ के इसलिए बता दिया कि अगर कहीं हिंदी वाले भाइयों को अगर नहीं समझ आए तभी मैंने पढ़ के बता दिया। सो लो जी, हम यहाँ पे पहुँच गए गुरुद्वारा साहब, अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। सो लो जी, अंदर हम आ गए हैं गुरुद्वारा साहब के, आप दर्शन करिए। तो लो जी, अब आपके सामने इतिहास बूंगा मस्तुआना साहब जी का, तो वीडियो पॉज करके अगेन आप पढ़ लीजिएगा इतिहास। बाकी इसके बाद हम जा रहे हैं सरोवर, हम आपको दिखाता हूँ ये, तो कीजिए दर्शन जी सरोवर साहब के। Oh,
सो लो जी, मत्था वगैरह हम लोगों ने टेक लिया था और यहाँ पे लंगर प्रसाद के लिए आए थे, तो हमने सिर्फ लिया एक फुल्का, येलो दाल है और चावल भी है, खीर वगैरह भी है, काफ़ी चीज़ें हैं लंगर में। तो थोड़ा थोड़ा हम यहाँ से लंगर छक के उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो हमारी? तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और गुरुद्वारा साहब के किए होंगे दर्शन आपने अच्छी तरह से। तो जितनी भी मुझे इन्फॉर्मेशन थी या मुझे नॉलेज थी तो मैंने आपको वो शेयर की है और गुरुद्वारा साहब के आपको दर्शन कराए हैं। तो पहुँच गए थे रात को हम काफ़ी लेट और वीडियो एंड करने का टाइम नहीं लगा। तो ये है नेक्स्ट डे, तो सुबह मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ। आप ये देख के कह रहे होंगे कि चश्मा मैंने क्यों लगाया हुआ है या सोच रहे होंगे, तो इसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि आपको पता है कि आई फ्लू बहुत चल रहा है, तो मुझे खुद को नहीं पता चला ये आई फ्लू कैसे हो गया। रात को आके सोया, सुबह उठ के देखा तो आँखों में जलन हो रही थी तो एंड रेडिस हो गया था। तो मैं सुबह मॉर्निंग जाके अपनी मेडिसिन वगैरह लेके आया हूँ एंड अभी वीडियो एंड कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, तो सब कुछ कर दीजिए। और इसी तरह की अच्छी और वीडियो में मिलते हैं अगली बार। तो अगली वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम को भी आप सपोर्ट कीजिए, इंस्टाग्राम पे भी जाके आप वहाँ पे फैमिली को बड़ी कीजिए, फॉलो कीजिए, तो क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले आ जाती है हमारी नोटिफिकेशन कि कहाँ जा रहे हैं, कैसे क्या ट्रिप का प्लान है। तो ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आपको नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय बाय।